चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं NIIT मेकअप करंट लेक्चर नंबर 4। लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोग ने, ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग ये जानना चाहते थे रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, यहाँ दिया 0, 0, -1। तो यहाँ तीन कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया, है ना। तो अगर हमें 3D देखना है तुरंत यहाँ पे देखेंगे, मैंने कहा था रूम के कॉर्नर में देखो, यू विल गेट 3 lines दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच, तीन ऐसी ऐसी लाइन मिलेगी जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगी, एक को x मान लो, एक को y, एक को z। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेम करंट कह रहे हैं कि सेम करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी, I इज फ्लोइंग इन 3 infinitely long वायर, कह रहे हैं 3 infinite मतलब कि वो अनंत तक जा रहा है, बहुत लंबा, कोई लेंथ डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। कह रहे हैं along positive x, positive y and positive z direction, the direction क्या है current की, किधर जा रही है, plus x plus y। और तो अगर ये diagram बना हुआ है तो अगर ये plus z है तो यहाँ से current कहाँ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है कि इधर से आ रहा होगा, negative से, negative से, ठीक है। तो अगर हम x और y लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, तो इसका मतलब direction of current will be this one and यहाँ पर ये, और इसको प्लस जेड करते हैं और इसको माइनस करते हैं, ठीक है, ये माइनस होगा, ठीक है, ये हो जाएगा तेरा माइनस इनफिनिटी, ठीक। तो क्या होगा भाई, इधर से इस तरीके से, ठीक है। तो तीन करंट जा रहे हैं, क्लियर है ना। तो कोई भी पॉइंट जो लाई कर रहा है वो क्या है, 0, 0, -1, तो यहाँ कहीं होगा, यस होगा ना, पॉइंट बी, देखो ना ये माइनस जेड एक्सिस हो गया, तो 0, 0, है ना, x और y जीरो कब होंगे, जब पॉइंट z वाली लाइन पर लाई करेगा, सिंपल है ना। yes. अच्छा मुझे ये बताओ, अभी इसके पहले कौन सा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, हाँ हम लोग ने ये पढ़ा था ना, किसी भी वायर के वजह से अगर कोई इनफिनिट लेंथ का वायर हो किसी पॉइंट पी पर, अगर वो लगाता है उसके लिए क्या होगा, ये एक फॉर्मूला था, है ना, और अगर हमने एक ओरिजिनेशन दे दिया तो फिर क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बनेगा ये वाला, है ना, पॉइंट पी उसके जस्ट परपेंडिकुलर लाई करता है ना। ध्यान से देखना इस केस में, ये हो गया तेरा एक्स वाली लाइन, ये वायर की तरह ट्रीट करना, सुनते आओगे तो एक सेकेंड लगेगा समझ में, तुरंत आ जाएगा, ठीक। ये इसके परपेंडिकुलर लाई करता है कि नहीं करता है बताओ, वाई के परपेंडिकुलर लाई करता है कि नहीं करता है, yes, करता है ना। चलो जरा मुझे ये बताओ कि ये बताओ, अगर हम अपने ही वायर पे बैठ जाएंगे जिस वायर में मेरा करंट फ्लो कर रहा है, क्या मेरे ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, नहीं होगी ना, बिकॉज इस वायर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इससे दूर जाओगे तब तुम्हें मैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा, इस पॉइंट पर नहीं होगा, बिकॉज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। कौन सा फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूले में ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये है ना, तो नॉट डिफाइंड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे उस केस में, तो इसका मतलब है करंट जो आपका पॉइंट जिस वायर पे लाई कर रहा है उसकी वजह से उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, सिंपल ना, ठीक। तो किसकी वजह से होगा सर, कहेंगे वाई की वजह से होगा और एक्स की वजह से होगा, सिंपल लॉ है कि नहीं है, 90 degree है कि नहीं है, है ना, क्लियर लग रहा है कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं फॉर्मूला बायर सेवर्ट लॉ का, क्या सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी पॉइंट पी लाई करता है परपेंडिकुलर टू इट, डिस्टेंस कितनी है, कुछ नहीं है सर, सिंपल है, माइनस ए, और हमें डिस्टेंस चाहिए, दैट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती क्या, ठीक है, कोई माइनस 100 kilometers नहीं जाता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव साइन तब क्या काम करता है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कि अगर मैंने बोला कि मैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था 100 kilometers गया और अब मैं ईस्ट से वापस वेस्ट पे जा रहा हूँ फिर से 100 kilometers, तो मैं कहूंगा -100 kilometers चल के जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं जितना आया था उतना ही मैं वापस जा रहा हूँ, है ना, समझ में आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, हमारे फॉर्मूले में हम क्या लेते हैं, पॉइंट की दूरी लेते हैं सिर्फ, है ना, ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, देखो इन्फिनिटी है तो इधर ये प्लस इनफिनिटी और इधर ये माइनस इनफिनिटी, तो जो एंगल बनेगा इधर और इधर वो कितना बनेगा, मैंने क्या सिखाया था, पाई वन हो जाएगा अगर तेरा प्लस 90 तो ये कितना हो जाएगा, पाई टू हो जाएगा तेरा माइनस 90, क्योंकि एक तो पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, सिंपल तरीका बताया था ना मैंने, तो क्या था, साइन फाई वन माइनस साइन फाई टू,
तो साइन 91 होता है, साइन 51 साइन 90 हो गया, माइनस ऑफ माइनस साइन 90 क्या हो जाएगा प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, नीचे 4 था 2 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, तो बचेगा क्या म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई के। यस ठीक है, क्या कह रहे हैं ये सब चल क्या रहा है सिस्टम है ना। तो बेटा इसके लिए तुम्हें ये क्लास पहले करना है, मेरे साथ डिस्कस करना है, मुझसे सीखना है वो फॉर्मूला क्या था बायट सेवर्ड लॉ। हम लोग ने पूरा मेहनत करके ये डेरिवेशन करके हम लोग ने निकाला था, ये देखो ये है ना, ये वायर दिख रहा है तुमको, एक वायर है कोई पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है ए, सुनते हैं ध्यान से, ये पॉइंट पी जो एक छोर है आपका वायर का वो बना रहा है कोण कितना फाई वन, और नीचे की तरफ क्या बना रहा है फाई टू। तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा ये देखो, ठीक है ध्यान देना, ठीक है, यहाँ प्लस कैसे हो गया वही जो मैंने कंसेप्ट बताया था माइनस ऑफ माइनस, यहाँ पर ने माइनस फाइव टू लिया था ना, तो अपने केस में जब हम साइन 90 की वैल्यू पुट करेंगे तब भी देखो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 90 इधर ही पुट करेंगे 90 इधर भी। ये फॉर्मूले को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करा जाता है, जब मैंने माइनस ऑफ माइनस बोला तब ऑटोमेटिकली मैंने क्या लिया, मैंने इनिशियल कंडीशन ली, मैंने कोई चेंजेस अपने फॉर्मूले में नहीं किए थे, ये जब मैंने फॉर्मूला बनाया था तो मैंने ऑलरेडी वो चीज अप्लाई कर दी ताकि कोई आंख बंद करके भी वैल्यू पुट करेगा तो भी आंसर सही आएगा। ओके तो यहाँ पर 5190 और 590, अभी 90 कैसे आया सुनना तुम ध्यान से। अच्छा ये बता अगर बुर्ज खलीफा की ऊंचाई एकदम खड़े हैं और नीचे अपन खड़े हैं है ना थोड़ी दूरी पे खड़े हैं तो तुम्हें क्या लगेगा एकदम एकदम उसी के पॉइंट टच है कि दूरी है करीब लगेगा ना। तो अगर आप कभी भी नोटिस करना देखो ये मैंने ऐसे सिखाया था तुम लोग को एक पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ पर ठीक यही किया था ना मैंने उस दिन ये पॉइंट पी था और यहाँ से मैंने एक ऐसे लाइन खींच दी थी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना बेटा ध्यान से मैंने इसी पॉइंट पी से यहाँ पे बनाया एंगल फिर मैंने यहाँ बनाया फिर मैंने यहाँ बनाया ये बता एंगल बढ़ रहा है या घट रहा है पी के लिए पी के लिए ये एंगल छोटा इससे बड़ा और अनंत पे चले जाएंगे इंफिनिटी पे तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऐसे तो एंगल कितना हो जाएगा ये 90 इसी प्रकार से नीचे की तरफ भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये भी इंफिनिटी वो भी इंफिनिटी समझ में आया इसीलिए 51 भी 90 और 52 भी 90। तो उसी फॉर्मूले में जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं देखना ध्यान से वही फॉर्मूला यूज करते हैं क्या लिखते हैं फिर फटाफट तो हम किसी एक वायर के लिए करेंगे दूसरा वाला वायर आपके लिए छोड़ देंगे ठीक है क्योंकि दोनों के लिए सेम चीज करनी है ये वाला वायर भी परपेंडिकुलर है और ये वाला वायर भी परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट मैं सिखा दूंगा ठीक है देखना ध्यान से। तो क्या हो जाएगा भाई बताओ कह रहे हैं अगर मैं निकाल रहा हूं एक्स के लिए तो क्या जाएगा म्यू नॉट आई फिर यहाँ क्या जाएगा साइन 51 प्लस साइन 52 तो साइन 90 प्लस 90 है ना Yes. और अपॉन में क्या आएगा 4 पाई और डिस्टेंस कितनी है डिस्टेंस कितनी है a ठीक है sin 91 होता बड़े भाई ठीक है तो ये हो जाएगा म्यू नॉट i into 2 1 plus 1 क्या होता है 2 डिवाइड बाय 4 पाई a 2 2 जा 4 तो ये रटने की कोई जरूरत नहीं है तो मैंने निकाल लिया। अच्छा ये मुझे बताओ सेम चीज मैं y के लिए करूंगा तो सेम आएगा ना मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही आएगा बट दोनों की जो डायरेक्शन होगी एक दूसरे की परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी होगी ना और रिजल्टेंट क्या होगा दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट जो कि दोनों के बीच में आएगा है ना। तो अगर वाई और एक्स लेते हैं तो क्या आएगा अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए और मैं यहां क्या लिखूंगा भाई बताओ जे माइनस आई दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म ये क्या है वेक्टर फॉर्म ठीक है कर लेंगे ओके सही है यस आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे बस ध्यान देना भाई साहब एक चीज चलो और सिखा देते हैं क्योंकि मुझसे ऐसा होता है ना कि तुम लोग को सब कुछ सिखाना ही है गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो मुझे अच्छा एक चीज खटक गई तुम पूछोगे नहीं
सवाल तुम्हें पूछना चाहिए कि सर आपने ये जे माइनस आई कैसे कर दिया, क्या कोई नहीं नहीं पूछना पड़ता है लेकिन उसके लिए, लेकिन वो ऐसा टीचर है तुम्हारे पास कि तुम्हें बता ही देता है। देखो भैया राइट हैंड का रूल सिखाया था, प्लेस कर दिया ये होगी 3x ऊपर की तरफ है ना, जा रहा ना पॉजिटिव y तो प्लस में जाएगा ठीक है। इधर देख रहा है यहाँ पर ध्यान से, ये वाला जब आप बनाओगे अगर z को सही से अरेंज करो तो आपको किधर देखो ऐसे करेंगे तो किधर से निकल रहा है निगेटिव एक्स, निगेटिव एक्स से निकल रहा है कि निकल रहा है, तो जो आपकी दो फील्ड मिलेगी एक तो मिलेगी आपकी पॉजिटिव वाई की तरफ एक मिलेगी नेगेटिव एक्स की तरफ, इनका रिजल्टेंट हमेशा नेगेटिव आई के साथ ऐड होगा कि नहीं होगा। अरे जे प्लस आई करना चाहते हो लेकिन वो है नेगेटिव माइनस आई है तो माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा, ये तो सिर्फ वेक्टर सिंपल सम के फॉर्म में लिख दिया मैंने कुछ थोड़ा ना किया ठीक है, इस तरीके से हुआ है रटने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं, तो आज का मेन जो कंसेप्ट है वो अपन सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड कॉइल, कॉइल कैसे बनेगा उसकी टेंशन मत लो। एक सर्कुलर वायर था ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया, अब मैंने इसको यहाँ रोका नहीं इस वायर को, फिर मैं आगे ले गया फिर दूसरा बना दिया, फिर ऐसे ही स्प्रिंग बनाता चला गया, क्या कर दिया स्प्रिंग स्ट्रक्चर बना लिया, तो इसी क्या कहेंगे, इसको कह देंगे बड़े भाई कॉइल, क्या कहेंगे कॉइल, ये तेरे कॉइल ठीक है, इसका सेंटर जो होगा वही इसका सेंटर होगा वही इसका सेंटर होगा, क्यों, क्योंकि सेम सर्कल बना रहा हूं ना मैं, एक ही रेडियस का सर्कल बना रहा हूं बार बार, तो सबका सेंटर सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यहां से एक हम एक्सेस बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं ठीक है। तो ये था, अभी दोबारा बना लेना इसको, वैसे ये कॉइल का एक रफ डायग्राम है ठीक है, जो आप चाहें तो बना सकते हैं ठीक है, फटाफट इसके फॉर्मूले देखना फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलो देखो इसको मिटा दे, तो क्या है ठीक है, अब अगर एक सिंगल वायर है, क्या कह रहे हैं एक सिंगल वायर है जिसमें n की वैल्यू कितनी है 1, लिखो v एट सेंटर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, लिख लो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत हाँ, इसमें डेरिवेशन करना है, काहे टाइम वेस्ट करोगे अपना भाई तुम लोग, यहाँ पर क्या करोगे अगर देखोगे ध्यान से तो पूरा सरकमफेरेंस मिलके क्या दे रहा है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉलेस्ट पोर्शन में कट भी कर देंगे तो एक एक कंपोनेंट मिलेगा, और मैंने अच्छे सिखाया था कैसे कैसे राइट हैंड थंब रूल कैसे यहाँ रखो, फिर देखो सारी फील्ड कहाँ सेंटर से तो निकल रही है आउटवर्ड, सब बाहर की तो आ रही कि नहीं आ रही है, तो सारे मिलके जुड़ेंगे ना ऐड होंगे ना, तो स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट लोगे कि नहीं लोगे बार बार, और जब पूरा सम करोगे तो सरकमफेरेंस ही तो कर पाओगे बड़े भाई, और इन सब की फिक्स दूरी कितनी है हाँ। और एक और सबसे शानदार बात, ये सारे जितने पॉइंट लाई करते हैं वो सब रेडियस के परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, सर्कल की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है रेडियस के परपेंडिकुलर होते सर्कमफेरेंस लाई करने वाले सारे पॉइंट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस कह लो या सेंटर कह लो ठीक है, बात तो एक ही है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विल ऑलवेज बी अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये 10th क्लास में पढ़ा था, बस वही कांसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो लीनियर वाला अगर बायर शॉर्ट लॉ लगाओगे तो समेशन करना पड़ेगा ना, अच्छा समेशन करोगे तो यही पहुंचोगे ठीक है ओके। चलिए लिख लीजिए फटाफट आगे, नेक्स्ट फॉर्मूला कॉइल के लिए क्या हो जाएगा, कॉइल के लिए एक से ज्यादा हो जाएंगे है ना, तो अगर n सर्कल्स होंगे तो n टाइम्स यही मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगी, तो मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉइल के लिए यहाँ क्या आ जाएगा b एट सेंटर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n i अपॉन 2 पाई, सिंपल ठीक है, लिख लो फटाफट, n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन क्वायर, यहां लिख लो एन क्या है नंबर ऑफ ठीक है, आगे बढ़ जाए yes. देखो ये सब बहुत हल्के टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप ऑफ करंट, लूप ऑफ करंट आपके दिख रहे हैं आपको, देखो बीच में क्या है एक वायर है ना, और दो आपको सर्कुलर दिख रहे हैं, तो सबकी फील्ड होगी कि नहीं होगी, तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी हुई हैं,
बनी हुई कि नहीं बनी हुई है, सिंपल है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो एक आपका कौन सा है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है आपका वायर है जिसकी वजह से एक रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है लिख लो फटाफट इसको, बना लो मतलब, और कुछ नहीं। ये बस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है, ठीक है, तुम्हें पढ़ने जैसा नहीं है तो बेटा कोई दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। चलो बना रहे हो बेटा, इसमें डिजाइन बना रहे हो, बना 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 जल्दी बनाओ, बस ज्यादा हम भी बना दे साथ में, ठीक है, ठीक भाई हो गया, देखो कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ जाए। चलो देखो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर हमने क्या किया, एक सर्कल था ना, सर्कुलर वायर था, बार बार लोग पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से, तो सर्कुलर वायर को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, मैंने एक आर्क बना दिया, क्या बना दिया, एक आर्क, ठीक है। ऐसे देखो ये मैंने वायर कट करके अलग कर लिया, ठीक है भाई, ये मेरा वायर है, ठीक, इसके अंदर करंट कितना फ्लो करा रहे हैं, आई करंट फ्लो करा दिया हमने, ठीक। अब कह रहे हैं इसके वजह से सेंटर, क्योंकि पहले तो ये सर्कल का पार्ट था कि नहीं था, था ना, तो इसका सेंटर तो अभी भी होगा इसके लिए, ठीक। तो मैंने कहा इस पॉइंट ऊपर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इसकी लेंथ ली मैंने, वो कितनी ले ली, स्मॉल एल, जल्दी से करो, कैसे करोगे, हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत कठिन नहीं है ये, देख तो रहा है वैसे आज तो, ठीक है, कैसे करोगे बताओ। इसमें पता बहुत बेसिक कंसेप्ट लगेगा, बहुत ज्यादा बेसिक कंसेप्ट, आर्क लेंथ पढ़ा था, आर्क लेंथ इज इक्वल टू कुछ रिलेशन होता है एंगल के साथ, यहाँ एंगल कितना बना रहा है, ये अल्फा बना रहा है ना, आर्क लेंथ इज इक्वल टू कुछ 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 अगर याद हो तो बताओ बड़े भाई, लेंथ तो वायर भी चाहिए। चलो U not I alpha upon 2 pi R, लिखो इसको, फोर हो जाएगा ना, फोर हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, फोर पाई आर, ठीक है। अल्फा क्या होगा हमेशा रेडियन में, ठीक है, तो अगर मुझे इसको रिलेट करना हो किसके साथ, अगर मुझे इसको रिलेट करना है विद द जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर एट द सेंटर ऑफ इट था, उसके साथ करना हो तो कैसे करोगे बताओ जरा, इसको मैं नाम देता हूँ एक नया, बी ओ अल्फा बोल देता हूँ ताकि ये डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ठीक है। तो बी ओ अल्फा को आप कैसे लिख सकते हैं ये बताइए, पाई कट जाएगा ना सर्कमफेरेंस में आएगा ना 2 पाई आर, तो पाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट जाएगा बड़े भाई, न्यूमरेटर में आएगा कि नहीं आएगा, 2 पाई आर आएगा तभी तो एक कटेगा, यहाँ 2 आर होगा, ठीक है, वो हमने अभी ध्यान दिया तो देख लिया, अब यहाँ पे करोगे तो मिल जाएगा तुम्हें, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, मी नॉट आई अपॉन 2 आर, तो बी नॉट लिख सकते हैं, बचेगा क्या एक अल्फा बचेगा और नीचे क्या बचेगा 2 इनटू पाई, क्या भी समझ में नहीं आ रहा होगा बेटा तुमको बिल्कुल भी, है ना, बोल नहीं रहे लेकिन बात तो सही है, लेकिन हुआ कैसे समझो, म्यू नॉट आई अल्फा, देखो फॉर्मूला क्या था, कुछ नहीं आता है इतना तो पता है, जो हम लोग ने किसी एक सर्कुलर वायर में करंट फ्लो करवाया था तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी वैल्यू थी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, यही थी ना, इतना तो याद कर सकते हो। अब इसको कंपेयर करो कि इसका इस्तेमाल इसमें कैसे कर सकते हो, तो मैंने ये देखा म्यू नॉट भी था आई भी था, हाँ ये मिल गया, फिर यहाँ 4 था तो मैंने इसको देखा 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, एक 2 मिल गया और एक आर था, तो मैंने कहा इतनों को तो मैं इतने सबको मिला के मैं लिख सकता हूँ बी नॉट, इसको मैंने अलग कर दिया, बचा क्या फिर अल्फा बचेगा, यस सर, नीचे क्या बचेगा एक 2 बचेगा और एक पाई बचेगा, समझ में आ गया, अब लिख लो फटाफट, ठीक जल्दी जल्दी करो,
आगे बढ़ जाए। yes. देखो वायर ऑफ सर्किट लूप इज यूनिफॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें आपको निकालना है। देखना एक सर्कुलर वायर में हमने अब क्या कर दिया, दो हिस्से बांट दिए। कैसे किया मैंने, दो टर्न पे मैंने कनेक्शन कर दिया, करंट फ्लो करेगा तो आप दोनों में करेगा ना। हाँ। दो पैरेलल ब्रांचेस बन गई कि नहीं बन गई, ध्यान से देखो, एक ये ऊपर वाली ब्रांच बन गई और एक बीच में, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक आर्क वाला पोर्शन हो गया और एक आपका देखो एक माइनर आर्क बन गया, एक मेजर आर्क बन गया, लेकिन दोनों का रेडियस सेम रहेगा, एंगल अलग अलग, करंट दोनों में अलग अलग होगा। क्यों, कैसे पता किया, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जाने का रास्ता ढूंढना है सिर्फ हमें। क्या करना है, जाने के रास्ते देख लो, यहाँ से करंट इंटर कर रहा है, ये करंट का एंट्रिंग पॉइंट है, जब यहाँ पहुंचता है उसके पास एक रास्ता इधर जाने का है, एक इधर से, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग होने वाले हैं करंट, बिकॉज ये वाला पूरा बड़ा वाला वायर और ये छोटा वाला वायर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है, पैरेलल। अब तो करोगे, जितने फॉर्मूले पड़े हैं सब लगा डालो, ठीक है। आज तो सही दिख रहा है, आज कोई दिक्कत नहीं। अनाइता बहुत लेट आते हैं बेटा क्लास में आप, गलत बात है। तो अभी आपको मैंने आर्क वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ना, सेम वही यूज कर लो, ठीक है। हमें सेंटर पे ही निकालना है, हमें किस पे निकालना है, ओ के लिए ही सॉल्व करना है ना। तो ओ पर दो एंगल बन रहा है, एक अल्फा वन बन रहा है जो कि किसके लिए भैया, मेजर आर्क के लिए, और एक छोटा एंगल बन रहा है जो कि है अल्फा टू। तो फॉर्मूला क्या था भाई, देखो यहाँ लिख दूंगा मैं बी ओ अल्फा वन, है ना। फॉर्मूला लिखना सिखाया था ना, क्या फॉर्मूला सिखाया था, म्यू नॉट आई अल्फा वन अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, फोर पाई आर, यही तो होगा ना, ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर वन। इसी प्रकार से बी ओ अल्फा टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, अच्छा यहाँ आई नहीं होगा ना, आई टू होगा ना बेटा, यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट आई वन अल्फा टू अपॉन, ओके यहाँ होगा आई वन और नीचे होगा आई टू, ये होगा तुम्हारा हो जाएगा फोर पाई। आज थर्सडे है, डिस्क्लेमर में बता रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। yes, आज हम 3 घंटे कम से कम जो है अपना पीसी ठीक करने में लगा दिया, और देखना कल मैं 5 मिनट के अंदर उसको ठीक कर लूंगा। अब आर्क का नामकरण करना सिखाई था 10th क्लास में, है ना। यहाँ ले लिया ए बी सी बड़े वाले के लिए और दूसरा क्या है बी ए बी सी, तो मैं इस ओ अल्फा को चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ये हो जाएगा बी ए बी सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मेजर आर्क, ये जाएगा बी ए डी सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनर आर्क, है ना। इसका रेशियो निकाल लोगे, निकालो जरा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये बी ए बी सी डिवाइड बाई बी ए डी सी क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखोगे तो जितने भी सेम चीज है देखो ऐसे देखो, जो सेम है वो कट जाएगा, जो यूनिक है वही बचेगा, नीचे डिनोमिनेटर तो वैसे ही सेम टू सेम है, कट गया है ना, डिवाइड करना भाई, देख ये ऐसे कट जाएगा, म्यू नॉट बचेगा क्या, आई वन अल्फा वन अपॉन आई टू अल्फा टू, बस लिख लो फटाफट, ठीक। और किसी को अगर याद नहीं हो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल, तो लिख लो यार ये भी, थीटा इनटू रेडियस इज इक्वल टू आर्क, ठीक है, ठीक। इसका भी इस्तेमाल कर लो, इसका भी इस्तेमाल कर लो, अल्फा वन अल्फा टू रिप्लेस करने के लिए दिया है मैंने ये, ठीक है। तो लेंथ के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, अल्फा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आर लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियस। तो हमने ये बड़ा वाला मान लिया एल वन लेंथ का है, कितना मान लिया इसका मैंने, इसका मैंने जो मेजर आर्क है इसकी लेंथ मैंने मान ली, ये हो जाएगा तेरा मैंने मान लिया L1, और छोटा वाला कितना मान लिया L2, ठीक है भाई, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू आर लेंथ अपॉन रेडियस, ये हो जाएगा R, कैपिटल R लिया मैंने, कैपिटल R, और अल्फा 2 क्या हो जाएगा L2 अपॉन, ठीक है, डिवाइड कर दो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 क्या आ जाएगा यहां से,
यहाँ से आ गया यहाँ से देखो, यहाँ से मैं चाहूँ तो अल्फा वन अल्फा टू के बिना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत? ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं दोनों। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अभी खत्म नहीं हुआ है, चले गए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जरा शॉर्ट हो गया क्या ये? ओम्स लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा भाई, बी इज इक्वल टू आई और आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। क्वेश्चन ने पहले क्या बता दिया कि क्या भाई वायर कैसा है, यूनिफॉर्म, तो ए चेंज होगा नहीं, रो चेंज होगा नहीं, तो अगर मुझे रेडियस निकालना है L1 लेंथ का और L2 लेंथ का, तो क्लियरली मुझे पता है कि रेडियस विल डिपेंड अपॉन ओनली लेंथ ऑफ द वायर और कुछ नहीं है, बिकॉज थिकनेस दोनों की सेम रहने वाली है। तो यहां से मुझे एक और चीज मिल जाएगी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां से मुझे मिला कि R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। ठीक है, ठीक, और I क्या हो जाएगा, अगर वोल्टेज बेटा देखोगे कांस्टेंट, मैंने बोल दिया वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, तो I विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। यहां से एक और चीज मिल जाएगी, यहां से एक और चीज मिल जाती है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द वायर, तो रेडियस इंक्रीज करेगा तो करंट विल डिक्रीज। ठीक है, इसका मतलब है मैं यहीं से एक और प्रॉपर्टी लिख सकता हूं, I1 upon I2 will be equal to L2 upon L1। ये मैं डायरेक्टली लिख दिया, लिखना क्या चाहिए था, R2 upon R1, फिर मैं लिखता R2 directly proportional L के, मतलब L2 लिख सकता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, देखो रटने की कोई जरूरत नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसीलिए L2 ऊपर आया, और इस केस में वायर का यूनिफॉर्म होने की वजह से ही यहाँ पर L आ रहा है, नहीं तो यहाँ L ना लिख पाते, यहाँ R लिखते। ठीक है, समझ में आ गया, ये जो मैंने समझाया ये सिर्फ उसके लिए समझाया था, जगह नहीं है थोड़ी सी, मैं जगह या तो एक स्लाइड ऐड करूं, देखते हैं, है ना, यहां चल रहा है ना डिस्कशन, दो स्लाइड ऐड कर लेता हूं, आगे भी दिक्कत नहीं। चलो, ये बात अगर नहीं समझ में आई तो फिर से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बी इक्वल टू क्या होता है आईआर, या फिर आपको एक और चीज बता, आई इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू रो एल, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता हूं तो मुझे इक्वल टू लिख सकता हूं ना यहां पे, आई इज इक्वल टू, यस। ठीक है, एज इन दिस केस वायर कैसा है, इज यूनिफॉर्म, तो क्या हो जाएगा, आर से डिपेंडेंट हो जाएगा L पे। ठीक है, और वायर भी सेम है, मटेरियल चेंज तो कर नहीं रहे, एक ही सर्कुलर वायर था उसमें ही तो हमने दो पिन अप कर दिए वायर ना, तो मटेरियल चेंज नहीं हुआ, इसलिए रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से क्लियर भी है कि R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L1, और R2 हो जाएगा L2। ठीक है, एंड यहाँ से क्लियर होता है फॉर V क्या है आपका कॉन्स्टेंट, I क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, तो I1 हो जाएगा 1 upon R1 और I2 हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब बेटा ध्यान से है कि I1 upon I2 इज इक्वल टू क्या जाएगा R2 upon R1, सुनते हैं ना ध्यान से, अब यहां से ये भी इक्वेशन बना लेना कोई तुम, ठीक है, इस रेफरेंस से यहां से हो जाएगा I1 upon I2 इज इक्वल टू L2 upon R1, अब समझ में आया, वो शॉर्ट में बता दिया था, हो सकता है तुम्हें ना आए इसीलिए मैंने कहा कि पाप ना हो जाए मुझसे, मैंने दोबारा पढ़ा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक बहुत अच्छा आंसर आने वाला है, तो मैं यहां समराइज कर रहा हूं, तो इसका मतलब है बी ए बी सी और बी ए डी सी, अच्छा मुझे कोई ये बताएगा क्या, आप लोगों के जितना ज्ञान है उसी हिसाब से, ठीक है, दोनों में जो करंट फ्लो करेगा, बिना रे बेटा, हाँ होता है कभी कभी चलो देखो, दोनों जो करंट है वो एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है, दोनों करंट सेम डायरेक्शन फ्लो करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है सर, पैरेलल है, पैरेलल सुनते ही क्लियर हो गया कि दोनों भाई अपने अपना चलेंगे, अब सर्कुलर है
तो एक क्लॉकवाइज चलेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। सुनते हैं ध्यान से, तुमने खुद ही सिखाया था मुझे जब क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कुछ और होगी, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो कुछ और होता क्या, इनवर्ड आउटवर्ड। कैसे सिखाया था मैंने, यहाँ पे एक पेन रख लो है ना, कुछ पॉइंट्स मार्क कर लो है ना, एक यहाँ कर लिया, एक यहाँ कर लिया, एक यहाँ, तुम्हें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। कैसे सिखाया था, अब नीचे की तरफ है तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमें, ये टिप क्या रिप्रेजेंट कर, डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो अब इस पे हम रखेंगे तो ये तो अंदर जा रहा है सर, है ना, स्क्रीन के अंदर जा रहा, मतलब कि आपका क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। फिर ऊपर रख के चेक करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, फिर से सर ये देखो, ये तो ऐसे, अब देखो मैं हार्ट उठ जाएगा भाई, है ना, अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है स्क्रीन के अंदर, है ना। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ, अब नीचे की तरफ है तो फिर से, अरे हर बार तो अंदर ही जा रहा भाई, मतलब कि इस बड़े वाले आर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर पे कैसे दिखेगी, अंदर की तरफ जाती हुई। अब जरा स्केल देखते हैं, अब यहाँ ध्यान से देखा तो ये क्या भाई, ये तो भाई एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने यहाँ रख लिया पेन को, ऐसे देख रहा यही रखा है। अब देखो फिर से, अरे ये क्या हो गया, ये तो स्क्रीन के अंदर से बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है भाई, ऐसे बंद करो झटके लग जाएंगे, है ना। ये देखो ये रिंग के अंदर से आ रही है ना उंगली बाहर, इसका मतलब क्या, ये वाला पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड बाहर तरफ फेंक रहा है, देखा हो गया ना कमाल, एक अंदर और एक बाहर, दोनों दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे कि नहीं करेंगे, सेंटर पे होगा ना ये चीज, ये दिखी कि नहीं दिखी। अब वैल्यू देख लेते जरा ध्यान से देखना। अच्छा मुझे बताओ, फॉर्मूला जो पढ़ा था उसमें क्या था, म्यू नॉट आई साइन थीटा अपॉन क्या होता था, 4 बाई आर, है ना, यही पढ़ा था, क्या स्क्वायर था, आर था, क्या था, म्यू नॉट आई साइन थीटा भी तो बोला मैंने आगे चल के, आईडियल साइन थीटा होता है तो यहाँ पे ऐसे बोला, क्योंकि एक आर कट जाएगा ऊपर से तभी नीचे आएगा आर, हाँ, अरे अगर मैंने इसमें से आर हटाया तो नीचे एक आर काट दिया ना, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक आर जो गायब होता है उसके लिए इस डीएल की बलिदान चढ़ती है भाई, हाँ, और ऊपर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग सर्कमफेरेंस या फिर लेंथ तो वायर लेके चलते हैं, फिर डेरिवेशन किया, इतना डेरिवेशन करना सब बेकार हो गया, सब पानी पानी हो गया, अब तो ऐसा लग रहा है तीर्थ यात्रा करने चले जाए, भगवान ही कुछ करेंगे। चलो तो यहाँ पर अब देखो ध्यान से हो क्या रहा है, क्योंकि अब कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से भी होना भी यही चाहिए था, दोनों में करंट वैरी करेगा इस हिसाब से, सजदा रिजल्टेंट क्या हो जाए, हमेशा आपका वो रेशियो 1 आ जाए, मतलब इनवर्ड आउटवर्ड एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें, ठीक होगा भी देखना वैसे ही कुछ। देखो यहाँ पर इसी का यूज करूंगा मैं, तो इक्वेशंस के नाम दे देता हूँ, थोड़ा मैंने नाम नहीं दिया था, 1 2 हो गया था, फिर अपन लोग ने ये बना लिया था, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक, और फिर इसको बना दो इक्वेशन नंबर 4, यही इक्वेशन यहाँ भी चल रहा है, ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और हमारा जो हमने इन दोनों का रेशियो किया था क्या था, I1 alpha 1 upon I2 alpha 2, तो मैं I1 upon I2 क्या लिख सकता हूँ, अभी तो निकाला L2 upon L1, और यहाँ क्या आ जाएगा into alpha 1 upon क्या आ जाएगा L1 upon, अरे ये तो कट गया, इसका मतलब है 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द बिगर आर्क और जो आपका स्मॉलर आर्क है, मतलब मेजर आर्क और माइनर आर्क की जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों की सेम आ रही है, ये होना भी चाहिए था, बिकॉज करंट भी उस हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर जाएगा, तो मैं वैल्यू भी आपके अगर लेंथ बढ़ रही है तो आपका आई कम हो जाएगा, लेंथ छोटी हो रही है तो आई बढ़ जाएगा, इन द एंड ऑफ द डे क्या होगा आपका, जब देखोगे रिजल्ट आपका एक्सपेरिमेंट का, हमेशा ये आएगा रेशियो में, समझ में आया, तुम सोचो कुछ जादू हो जाएगा, कुछ हुआ ही नहीं, अगर ये जादू करना है तो वायर को चेंज करना पड़ेगा, ताकि ये लोगों का ये जो रेशियो है ये ठीक है, तो अब देखेंगे ये अगले केस में, ठीक नोट कर लो फटाफट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी जीरो will be zero. पढ़ जाए आगे? Yes. ध्यान रखना इसमें इसीलिए हुआ है क्योंकि आपका जो वायर था वो सेम मटेरियल से बना हुआ था,
आपने वायर में कुछ भी चेंजेस नहीं किए, ना उसका थिकनेस चेंज किया, ना उसका मटेरियल चेंज किया, इसलिए ऐसा हुआ। अब इस केस में पहले ही बता दे रहे हैं कि भैया जो वायर है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, पहला केस हमने थिकनेस सेम रखी, ठीक है, लेकिन मटेरियल बदलेगा तो क्या बदल जाएगा, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी बदलेगा तो क्या बदल जाएगा, रेजिस्टेंस, बिकॉज जो आपका फॉर्मूला होता है R is equal to rho L upon A, आपने कहा कि A सेम रखेंगे, कोई बात नहीं, L तो सेम रह नहीं सकता, बिकॉज आप देखो ना, आप यहाँ पर L तो सेम नहीं रह सकते, अगर ध्यान से देखो यहाँ सेमी सर्कल बनाने की कोशिश की गई है ना, तो यहाँ L भी सेम हो गया, सेमी सर्कल बनाया ना, देखो ध्यान से इसको, देखो कहाँ काटा, डायमीटर के लॉन्ग काट दिया ना, देखो एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ होगी वही लेंथ इसकी होगी, लेकिन थिकनेस गलत कह रहा हूँ क्या, है ना बेटा, एल और ए दोनों में सेम है, तो रेजिस्टिविटी ही है जो यहाँ पर सारा खेल बिगाड़ी है ना। तो इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा, बी ए बी सी फिर से लिख डालो, है ना, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना तो आ गया होगा ना, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई वन अपॉन फोर आर, सेमी सर्कल है ये, टू आर था ना, तो हमने क्या कर दिया, इसको हाफ सर्कल का हाफ कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, फोर आर बन गया, बुद्धि क्यों लगाना है, पाई क्यों आएगा, सर्कल वाले केस में था पाई, पाई इसलिए नहीं होगा, अभी फिर से तुमने देखा ना, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, तो डीएल क्या है भाई, सर्कमफेरेंस है, 2 पाई, न्यूमरेटर में आएगा, पाई पाई निपट जाएगा, वो रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो 4 था नीचे, 4 पाई नीचे रहता है, तो ऊपर 2 पाई आर रहता है, नीचे स्क्वायर रहता है, आर स्क्वायर, तो एक आर ऊपर से कट गया नीचे, तभी तो वो आ रहा है, क्या डेरिवेशन करना पड़ेगा, बताओ तो कर दें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कर दें यार, ये तो बहुत ही गंदा सा डेरिवेशन है, मतलब ऐसा, मतलब बेकार सा, लेकिन तुम कर लो, ठीक, चलो हम इस वायर को, जरा इस वायर को एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से, कैसे चुटकी हो जाके क्वेश्चन हो जाएगा, जरा ये बता भाई, ये जो वायर है ये बना किससे था, ये कैसे वायर रहा होगा भाई, है ना, ये बेचारा प्यारा सा वायर था, इसकी लेंथ 2 पाई आर थी, किसी ने ऐसे कहा कि अब इसको ऐसे लपेट देंगे, तो अब तुम कहो ये नया कुछ हो गया, ये है वही, ये है वही, अब इस वाले भाई साहब की लेंथ यहाँ ले लेंगे हम 2 पाई आर, ठीक है बड़े भाई, देखना सेंटर है ये तुम्हारा, वो दूरी कितनी है, ठीक, अब तुमने कहा इसको लपेट दो, लपेट दो भाई, क्या करना है, तुम्हारी मर्जी, हमारी को चली नहीं थी, है ना, तो क्या मामला था भाई, यही तो फॉर्मूला है आर स्क्वायर साइन 90 आ जाएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर कहो नहीं आएगा, कह दो एक बार, करंट एलिमेंट तुम किसी भी पॉइंट पे ले लो, ये लो भाई करंट एलिमेंट ले लो, चलो ये हो गया तेरा करंट एलिमेंट आईडीएल, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस आर, साइन 90 तो साइन 90 जीरो था क्या, नहीं ना, देखते आराम हमें कैसे हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैसे आएगा, जब अपन यहाँ पर वो करेंगे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, ठीक, म्यू नॉट आई, यहाँ डीएल को अब इंटीग्रेशन करेगी, सीधे लिख दें पूरी लेंथ कितनी है, इंटीग्रेट किसको करोगे, वेरिएबल को, कौन वेरी कर रहा है भैया, यही तो वेरी कर रहा है ना, अलग अलग पॉइंट पे, और क्या है पूरी लेंथ, 2 पाई आर, और गलत है क्या, गलत किया क्या मैंने कुछ, समझ में आया, यहाँ से क्या हुआ, डीएल लोगे तुम एक एलिमेंट, फिर इंडिकेशन लगाओगे, इंडिकेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई आर तक, लेकिन हर बार जो एंगल रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 90, वेक्टर फॉर्म में ही करना है ना, तो वेक्टर फॉर्म में कर लेना, ये आ जाएगा आपका डायरेक्शन, समझ में आ गया, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर रहेगा कि नहीं रहेगा, बस इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया, जरूरत बिल्कुल नहीं, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया, ओके, क्या चले भाई आगे बढ़ जाएं, ये वाला क्वेश्चन करो, तो बेटा सुनो ध्यान से, कैफ ना आए तो पूछ लेना चाहिए, अगर ना आए तो पूछ लेना चाहिए, ठीक है, पता तो हमें चले जाता है, ठीक है,
देख अब यहां से चल रहे थे अपन, यहां से चल रहे थे, फिर से यहां जब पहुंचे देखा कि जाने के रास्ते कितने हैं भाई, ठीक है, यहां करंट कितना गया I1, यहां कितना गया I2, क्लियर हो गया, ये पैरेलल है। अब देखना ध्यान से क्यों सर्कल वाला फॉर्मूला लगाया, लगाने को तो आर्क भी लगा सकते थे, तुम लगा भी लो, मैं कहता हूँ लगा लो। एक मुझे बता जरा अल्फा वन की वैल्यू कितनी है 180, अल्फा टू की वैल्यू कितनी है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ बताओ भाई, कैफ 180 है या नहीं है, दिख रहा है क्यों दिख रहा है, अरे भाई यही क्वेश्चन कर रहे ना, 180 तो बन रहा है ना, तो इसका मतलब तुम वैसे करोगे तब भी नीचे आगे कट के क्या बचेगा, नीचे 2 आएगा कि नहीं आएगा, तुम वैल्यू पुट करके कर लेना यही आएगा। तो इन द एंड हमने देखा ध्यान से यार ये तो सेमी सर्कल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी सर्कल की, हो जाएगी ना भाई साहब, तो इसका मतलब सर्कल का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r यही था ना, तो इसका आधा क्या होगा 4r होगा कि नहीं होगा, तो यहां मल्टीप्लाई होता है ये जगह 2 2 4, ठीक है सर, तो बी ए डी सी में क्या ही रखा है यार, म्यू नॉट आई टू अपॉन 4r, ठीक है, ठीक है, हो गया इतना, नोट करो फटाफट, फ्रैक्शन सेम नहीं रहेगी। हाँ बोलो, हेलो पढ़ा रहे हैं यही हाल है, चलो ठीक है, क्या था यहाँ पर μ0 I2, डायरेक्शन तो बता दो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पर एक टेंजेंट, यहाँ पे एक टेंजेंट, क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगी ना डायरेक्शन, ये भी इधर और ये भी है ना, यहाँ किया तो देखो आउटवर्ड, यहाँ किया तो आउटवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड होगा बेटा, ऊपर है ना, देख ना ऊपर से ऐसे हाथ किया और अंदर जा रहा है सर्कल के, नीचे वाले केस में मेरा हाथ नीचे चला गया तो ये अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ तुम्हें क्या दिखेगा डॉट, यहाँ क्या दिखेगा डॉट क्रॉस, याद है ना, जब ये तुम्हारे तरह ऐसे फेंक देंगे टिप रहेगा तुम्हें डॉट दिखेगा ना, है तो ये आउटवर्ड ही लेकिन तुम्हें क्या दिख रहा है ना, और जब तुमसे दूर जाएगा ये तो तुम्हें ये दिखेगा है ना, ये क्या है क्रॉस है, तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा क्रॉस और नीचे वाले में डॉट, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी क्या इस केस में, कह मत देना, कह मत देना ऐसा, क्योंकि करंट सेम रह नहीं सकता, बिकॉज ऑफ द मटेरियल इज नॉट सेम, मटेरियल सेम होता तो आंसर सही होता तुम्हारा, मटेरियल सेम नहीं है पहले ही बता दिया है, वहां लिखा भी हुआ है, ठीक है लिख लो, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, लेकिन सर फिर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अरे पापा रिजल्टेंट तो सिंपल सम होता है ना, सम अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट में होगा तो अपोजिट में है, तो यहाँ से क्लियरली हो जाएगा बी ओ नेट विल बी इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड लिखना है म्यू नॉट अपॉन 4π दोनों में है, यहाँ हो जाएगा आई वन माइनस I2, ठीक है, ये अगर आपका डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगा सर, अगर आई वन ग्रेटर देन आई टू है तो इसमें भी दो ही बनेंगे, आई वन ग्रेटर देन आई टू तो आई वन की डायरेक्शन लेके चलोगे है ना, तब क्या हो जाएगा क्रॉस, फिर अगर आई वन इज लेस देन आई टू तो क्या लेके चलोगे डॉट, समझ गए, नेक्स्ट केस पढ़ते हैं फटाफट, ये फॉर्मूला लिख लेना, लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आप बनाएंगे कॉम्प्लिकेटेड तो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डेरिवेशन बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं क्योंकि इतना कंसेप्ट है ही नहीं इसमें, इस वाले टॉपिक में इतना कोई कंसेप्ट है ही नहीं कि आप बहुत कॉम्प्लिकेट करो, सीधे सीधे न्यूमेरिकल आएंगे, सीधे इस्तेमाल करना खत्म करो, ठीक है, फिर मैंने समझा दिया डेरिवेशन आपको, देखो भाई नेक्स्ट इसमें दूसरा केस क्या होता है, आज सारे केस खत्म करेंगे भाई इसमें, ठीक है नेक्स्ट केस पढ़ के बताओ क्या है, थिकनेस बदल दी मतलब एरिया चेंज होगा है ना, इस बार रजिस्टर पहले ही यहाँ लिख लिया है ना, आर इज ब्रैकेट मोशन टू क्या जाएगा एल अपॉन ए है ना, मटेरियल सेम है क्या, हाँ इसलिए मैंने यहाँ रो नहीं लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब लेंथ दोनों की अब देखेंगे सर, डिपेंड करता है कि ये कौन सा है केस, यहाँ पर सेमी सर्कल है देखो ना डायमीटर पे कट कर रहा है तो ऊपर की लेंथ और नीचे की लेंथ सेम, तो एल को भी निपटाई देते हैं क्योंकि मेरा जो मेन है खिलाड़ी वो कौन है इस बार, और यहां से दिख रहा है कि एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा है ना, घटेगा ना बड़े भाई, ठीक है, तो
तो मतलब जिसकी थिकनेस ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, है ना, करंट को ही तो फ्लो होने नहीं देता है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा? चलो अच्छा तुम कुछ याद दिलाओ यार, हम भूल गए रेजिस्टेंस क्या होता है। आगे बढ़ जाएं, बाकी लोगों को तो पता है ना, हमें पता रहता है किसको आ रहा है कितना, किसको नहीं आ रहा है, पूछते ही इसी से। ये तो यार गलत बात हो जाएगी ना। क्लास के वीडियो में आप देखिए, आपको रेजिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी मैंने, बड़ा अच्छा एनिमेशन उसमें दिया हुआ है, कैसे इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, है ना, पूरा एक एनिमेशन लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, आपको बहुत शानदार मिल जाएगा। तो हम दोबारा क्यों बोले, फिर फिगर बनाना पड़ेगा, सब टाइम वेस्ट होगा, है ना। चलिए थिकनेस अलग, तो मतलब एरिया A1 होगा और A2 होगा। A1 अगर ज्यादा है A2 से तो उसका मतलब है R1 कम होगा, R2 ज्यादा होगा, ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा। ये सारे रिलेशन फटाफट लिख लिया करो, खत्म, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, लिख लो फटाफट, क्या करना है इसमें, कुछ करना है क्या मुझे, आंसर बताओ, बताइए, सिंपल है ना, BABC विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट I1 अपॉन 4R, रेडियस तो ये होगा ना, और म्यू नॉट I2 सेम है ना, म्यू नॉट, बस मुझे डायरेक्शन बता दो, है ना, ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2, डायरेक्शन क्या होगी, अभी तो निकाली थी पीछे, ऊपर ऊपर क्रॉस नीचे डॉट, ठीक है, खत्म। और फाइनल इक्वेशन कैसा दिखेगा, तो थिकनेस ज्यादा तो करंट ज्यादा बोल दूं क्या, थिकनेस ज्यादा तो करंट ज्यादा बोल दूं, नहीं, कैफ यहां लिखा है आंसर स्क्रीन पे, यहीं से देख के बताना है, बस मैं बोल रहा हूं थिकनेस ज्यादा तो करंट ज्यादा या कम, कम, थिकनेस ज्यादा होगी तो एरिया घट जाएगा क्या, एरिया जानते हो क्या होता है, ये सर्कल अगर है, कोई वायर है, उसकी थिकनेस बढ़ेगी तो ये वाला जो होता है इसी कहते हैं सर्कुलर होता है ना, ये हमेशा इसी को एरिया कहते हैं। अब बताओ थिकनेस बढ़ेगी तो एरिया घट जाएगा, बढ़ेगा ना, देखो क्या लिखा है उधर, A1 ज्यादा है A2 से, एरिया ज्यादा मतलब थिकनेस ज्यादा, बस मैंने एरिया ना बोल के तुम लोग कंफ्यूज किया, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, देखा जाए एरिया ज्यादा तो करंट ज्यादा, काम खत्म, गलत है, कोई नहीं आ गया ना। तो अगर इस केस को ले, अगर मैंने मान लिया तो इस केस के हिसाब से I1 will be greater than I2, तो अब ये तो नेट वाला फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, दैट इज म्यू नॉट I1 माइनस I2 अपॉन 4R, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्रॉस, और अगर I2 ज्यादा, यहां लिख लो इफ I2 इज ग्रेटर देन होना चाहिए था, ग्रेटर देन I1 देन इट विल बी इक्वल टू BO नेट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I2 माइनस I1 अपॉन, ये हो जाएगी बढ़ जाए। yes, इसमें कोई डाउट, अब इस चीज को समझ लिए ना कि इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मटेरियल आपका अलग अलग हो सकता है, या तो मटेरियल सेम रहेगा और थिकनेस अलग अलग हो सकती है, ठीक है, बस और कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ जाए। yes, चलो देखो, कर दो डिफरेंट तो फिर पूरा फॉर्मूला बदल जाएगा, और क्या करते रहो, कल तक सॉल्व करो, अरे क्या करेंट को ही फर्क पड़ेगा ना, सुनो ध्यान से, मटेरियल चेंज करोगे फिर से, देखो ये जितना सब सिस्टम है नॉन यूनिफॉर्मिटी में तुम करोगे तो फर्क किसको पड़ेगा, पूरे पूरे कंपोनेंट में सिर्फ आई डिस्टर्ब हो रहा है, सिर्फ आई तो डिस्टर्ब हो रहा है, तो पूरे फॉर्मूले में तुम आई को छोड़ोगे तो मुझे क्या करना है, फॉर्मूला तो मैं ही लिख दूंगा, फिर कहूंगा जो ज्यादा है उसके साथ देख लेना, अरे सुन लो समझ लो, ये बात बोली ठीक ही बोल रही है, थिकनेस बदल दी मटेरियल बदल दिया तो क्या होगा इसका, अभी जो रिलेशन है वो ऐसा कुछ दिखेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ दोनों में सेम है, तो सर रो 1 हो जाएगा और यहाँ पर A1 हो जाएगा,
तो अब दो फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, रेसिस्टिविटी भी चाहिए है ना। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आर टू रो टू अपॉन ए टू हो जाएगा, ठीक। तो इन सब के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, अगर आर वन आपका ज्यादा है किससे, आर टू से, तो बस करेंट ही चाहिए। इस पूरा करके एक्टिविटी में करेंट ही देखना है ना, बस क्या दिक्कत है, कर लेना। उसमें वैल्यू दी रहेगी रेसिस्टिविटी की, मटेरियल रहेगा तो मटेरियल की वैल्यू ऑलरेडी दी रहती है क्वेश्चन में, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं वैसे, ठीक है। फिर भी करेंगे भी तो भी तुम्हारे पास जवाब है। चलो ये क्या है भाई, तो बड़ा भयंकर लग रहा है ना, है बोल सा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल का मतलब पहले ही जान लो, कोई भी सर्कल होता है उसका जो सेंटर है, अब सुनो ध्यान से, सर्कल है सेंटर है, अब यहां से हमने परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे घोप दी है ना, ये क्या हो जाएगी एक्सिस। तो इसी प्रकार से अब मैंने इस सर्कल को 90 डिग्री फ्लिप कर दिया, तो साइड से जब देखूंगा तो यही सर्कल कैसे दिखेगा मुझे, इस प्रकार से साइड से देख रहा हूं ना मैं, तो ये तेरा सेंटर तो यही होगा, इसकी एक्सिस क्या होगी, ये वाली। तो मैंने कहा इसी लाइन पर कोई एक पॉइंट पी है, क्या बोला, एक पॉइंट पी। अब इस सर्कल इस सर्कुलर वायर के अंदर करंट तो होगा ही, मैंने कहा ये ले भाई करंट है, ठीक। तो इसका अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, अभी निकाल लेते हैं, ये तो बहुत आसान है ना, देखो ठीक। तो क्या होगा है ना, मतलब आउटवर्ड आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर से चेक कर लो यार, ये लो है ना, ये देखो, फिर ऐसे करके ये मेरा हाथ बाहर आ रहा है ना रिंग के अंदर से, इसका मतलब फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ होगी ना, इसका मतलब है कि फील्ड यहाँ पर पॉइंट पी तक पहुंचेगी, यहाँ पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो करो फिर सॉल्व करो इसको, कैसे करोगे देखते हैं हम भी, करो फील्ड क्या होगी आउटवर्ड, यहाँ लिख लो ये B नॉट पर ऐसे ठीक है। अब मैंने ये ले लिया करंट एलिमेंट, यहाँ ले लिया, ठीक है बेटा गलत ले रहा हूँ क्या, यहाँ करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा इस तरफ, ठीक है, जो कि तरह आई बी है, अब यहाँ मैंने पॉइंट पी को इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक, और ये हो गया तेरा रेडियस, कितना दिया हुआ है आर, ये डिस्टेंस कितनी ले ली मैंने, ये ले ली मैंने एक्स, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, गलत है क्या, इसको क्या ले लिया, इसकी वैल्यू ले ली आर स्मॉल आर के बराबर, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट से जो दूरी है वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो बस सारे फॉर्मूले आपको पता है, इस्तेमाल करना आपको है, ये मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, कर लो सॉल्व। क्या थीटा, क्या थीटा 90 कैसे होगा बेटा, थीटा कहाँ होता है, हमेशा पॉइंट पी पर थीटा बनता है बेटा, ये थीटा यहाँ होगा ना, थीटा के सामने ये 90 बनेगा, अब साइन थीटा तो आराम से निकल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। डीएल को ध्यान से सॉल्व कर लेना, डीएल को ध्यान सॉल्व कर लेना, और अगर मैंने बोल दिया ये एक सर्कुलर लूप है, यही एक और चीज पढ़ा दूं बेटा ध्यान सुनना, एक मैंने कहा एक कॉयल है, कॉयल मैंने बोला एन टर्न्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में पूरे फॉर्मूले में क्या बदला था पिछली बार याद है, म्यू नॉट एन आई हो गया था, तो मैं एक तीर से दो निशाने कर लूं, है ना, सर्कुलर लूप के लिए पहले सिखा देता हूं, और बाद में मैं सीधे लिख दूंगा फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स एन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा सही आएगा, ठीक है, यही यूज करना, ठीक है। तो ये मैं अभी तो उसके लिए कर रहा हूं, ठीक है, बी एट पी। अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि r की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अब सुनना ध्यान से, ये क्या बन रहा है सर, एक कोन बन रहा है, कैसे दिखाता हूँ देखना, ये बस एक टोपी होती है वैसा बन जाएगा, कैसे देखो, इस पॉइंट से सारे थ्रेड को कनेक्ट करेंगे, यहाँ से कनेक्ट करोगे तो सबकी दूरी तो r ही आएगी ना, स्मॉल r के बराबर होगी, भाई एक रिंग है, रिंग है क्या, कुछ कुछ है चक्कर, छल्ला वल्ला कुछ पहना है, हाँ ये देखो ये रिंग की, ठीक है। अब ये इस प्रकार से वायर था तुम्हारा, एक्सिस क्या होगी इसके परपेंडिकुलर होगी, बहुत बढ़िया है ना, परपेंडिकुलर देखो ये हो गया ये टिप को तुम पॉइंट बी मान लो, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, कितनी है, एक्स दूरी पर है,
अब जब तुम थ्रेड लगाओ तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। इसका चेहरा देख के हमें हंसी आ गई। चलो कोई बात नहीं, देखो 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 बिल्कुल ध्यान से देखो। तो ये जब आपकी डिस्टेंस एक्स पे है तो यहाँ से जब कनेक्ट करोगे तो सारे अगर पॉइंट एक्स पहले हंस लो। चलिए ठीक है, हो गया। चलो देखो आप फिर से चलो ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर होगा क्या, अभी इतना छोटा सा रिंग है क्या करे। यहाँ से जब आप इस पे थ्रेड लगाओगे तो पॉइंट पी पे कनेक्ट करोगे तो अगर इसको अगर ऐसे उठा लें तो क्या होगा, कोन बनेगा कि नहीं बनेगा। कोन में क्या होता है, सारे जो वायर्स होते हैं किसी एक पॉइंट पर जाके मिलते हैं कि नहीं मिलते। नीचे सर्कल होता है ना, कोन का सिंपल स्ट्रक्चर वही यहाँ बन रहा है। तो इसका मतलब ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका जो करंट एलिमेंट है वो वैरी करेगा, कहाँ तक जाएगा वो मैक्सिमम, जो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट क्या होगी, जीरो से 2πr, क्योंकि वापस से वहां पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर dl की वैल्यू क्या आएगी इन द एंड, जब पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन, देखो मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ ठीक है, किसी को डेरिवेशन सीखना है तो वहां पर इंटीग्रल लगेगा। इंटीग्रल किस पे लगेगा, जो पॉइंट वैरी कर रहा है, वैरी क्या कर रहा है, dl वैरी कर रहा है ठीक है। साइन थीटा आपका फिक्स है ठीक है, वो कहीं भी से बनाओगे एंगल सब जगह से थीटा ही बनेगा, और साइन थीटा वालों कितना आएगा r अपॉन, इसमें से कुछ भी ऐसा जो वैरी करेगा कुछ नहीं वैरी करने वाला है ना, सारे के सारे क्या है आपके कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आएगा क्या, i के बाद यहाँ जाएगा 2π और यहाँ r की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R है ना, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा स्मॉल r स्क्वायर, और यहाँ क्या है साइन ऑफ थीटा ठीक है। तो आप आगे देखो इसको ध्यान से, यहाँ से बन जाएगा म्यू नॉट i अपॉन 4π, अब स्मॉल r की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा बताओ, कैपिटल R स्क्वायर प्लस कैसे भाई स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी है ना, यही होगी। और न्यूमरेटर में क्या चल रहा है ध्यान से देखिएगा, 2π और एक r और आने वाला है, कौन सा साइन थीटा वाला है ना, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ठीक है, सिंपल है कि नहीं है, है ना। अब इसकी पावर कितनी बेटा 1, और चाहे तो आप रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2 ठीक है। देखना ध्यान से, अब फिर से 9th क्लास में जाएंगे और 9th क्लास का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एम इनटू एक्स की पावर एन, दोनों जगह एक्स होना चाहिए मतलब सेम वैल्यू होनी चाहिए, पावर अलग अलग होगी तो क्या होगा पावर ऐड हो जाएगी ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ सेम वैल्यू है कि नहीं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो 1/2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 + 1/2 करोगे तो आएगा 3/2। देख रहे हैं ध्यान से, न्यूमरेटर में एक आर स्क्वायर आ रहा है, ये देखिए पाई पाई कट गया, 8 × 2 = 4 Is it okay? Yes sir. Final लिखने जा रहा हूँ। लिखो next. ठीक है रुको। किसी को अगर integration के form में चाहिए तो बता देना, मैं आपको करा दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक line ही तो छुपा रहा हूँ, बाकी सब तो बता ही दिया। Integral लिखने लगा रहा सर। चलो देखो, यहाँ क्या जाएगा? New not i और नी ऊपर तो बचेगा नहीं, ऊपर तो आपका क्या था? Two pi था, कट गया। बचेगा क्या? R square. नीचे क्या बचेगा आपका, टू बचेगा ना, बचेगा यहाँ क्या जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ठीक है। यही है तुम्हारा फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ठीक है। और अगर कॉइल के लिए होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एन फॉर एन टर्न्स ऑफ कॉइल ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, आई है कि नहीं है, आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है ऐसे लिखो ठीक है। डायरेक्टली भी लिख सकते थे लेकिन ऐसे आपको याद रहेगा ठीक है। यस सर। अब एट सेंटर निकालना हो तो दिख रहा है कि बी एट सेंटर क्या आ जाएगा, यहाँ से नॉट इज इक्वल टू करो क्या हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा ना, तो ये क्या जाएगा पावर क्यूब हो जाएगा आर क्यूब ऊपर आर स्क्वायर, एक आर ही बचेगा ना नीचे, और देखो क्या फिर से वही आ गया मी नॉट अपॉन 2r, यही आया कि नहीं आया वापस से एट सेंटर एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस केस में म्यू नॉट एन I upon ठीक है, गलत है क्या, कुछ गलत हो बताओ। अब मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो जाए x is
वेरी वेरी क्लोज टू सेंटर. तो मैंने ये बोला कि x इज वेरी वेरी लेस देन, ये नहीं बोला कि जीरो है, बहुत करीब है, क्योंकि मैं बायनोमियल लगाने वाला हूँ. मैं क्या लगाऊंगा? बायनोमियल. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे इसको हम निगलेक्ट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. निगलेक्ट करना मतलब जब तक हम ना कह रहे, सबर करना. नोट कर रहे हो क्या? ऑनलाइन बच्चों समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं? चलो देखो भाई, यहाँ पर देखना बहुत सिंपल फॉर्म है. अगर मैं ये फॉर्मूला वापस से लिखने आ रहा हूँ, क्या मैं क्वाइल के लिए करूँ क्या? 10 मिनट बाद छोड़ देंगे, 3 मिनट बाद छोड़ देंगे. ठीक है, ज्यादा हो जाएगा 10 मिनट. तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम ईपी निकालें तो क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूला? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ तो 2 था ही, अब मैं क्वाइल के लिए कर रहा हूँ. आपको पता है ना, एन हटा दोगे, वन कर दोगे तो लूप के लिए हो जाएगा. अब यहाँ बेटा देखिए, आर स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूंगा तो मैंने क्या सिखाया था कि जब तुम आर स्क्वायर कॉमन लो तो सिंपल पावर मत देखो, तुम पावर क्या मान लो? 1. सिंपल जैसे कॉमन लेते हैं बचपन से वैसे ले लेना. तो आर स्क्वायर बाहर जाएगा तो वहां बचेगा 1, और ये जहां पे नहीं था वहां डिवीजन चला जाएगा, है ना? तो पहले वो लिख लो. ठीक है, आर स्क्वायर बाहर लिख दो, उसकी पावर जो है, जो भी इसकी पावर हो वही लिख देना, पावर 3/2. और यहाँ क्या लिखोगे? 1 + x² / r² / 3/2. सिंपल, इसमें कभी गलती नहीं होगी. ठीक है, ठीक है. अब देखना था, ध्यान से देखना, यहाँ अगर देखोगे एक फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा था, x की पावर अगर कुछ m है उसकी होल पावर n है, तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है. तो देखो ध्यान से, पावर जैसे 2 × 3/2 बचेगा, क्या 3 बचेगा ना, r क्यूब बचेगा, और नीचे r क्यूब ऊपर r स्क्वायर बचेगा, नीचे सिर्फ एक अकेला r. अब मतलब देखा जाए तो फॉर्मूला कैसे गया, म्यू नॉट n i / 2 r * 1 + x² / r² का होल पावर 3/2. मैं चाहूं तो इस पूरे पोर्शन को ऊपर ले आ सकता हूं, पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव. यहां क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, म्यू नॉट एन आई, मैं पूरा सॉल्व कर दूं क्या, नीचे क्या आ जाएगा? 2 r 2 × 3/2. ठीक, 2 कट जाएगा, r क्यूब बन जाएगा, और यहाँ बचेगा एक r. ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में एक r बचेगा, यहाँ बचेगा 1 + x² / r² / 3/2. मैं इस पोर्शन को ऊपर ले जाऊंगा. ठीक है, क्या बचेगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 r, इसको अलग कर लो, यहाँ जाएगा 1 + x² / r² - √3/2. ठीक है, अब यहाँ से एक फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, अगर कभी भी x की वैल्यू बहुत छोटी हो 1 से, जो कि यहाँ हो रही है, ठीक है, तब अगर 1 + x² / n के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका आंसर होता है 1 + nx. अगर 1 + x² - n है उसका आंसर होता है 1 - nx. किसने बताया ये सब? ये सब आपने पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स में, और टॉपिक क्या था? बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, आपका क्विक रिविजन हो गया, यही यूज करने जा रहा हूं, ध्यान से देखा. और एक और प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा इज ओनली एप्लीकेबल इन न्यूमरेटर, सिर्फ न्यूमरेटर में ही आपका ये लग सकता है, इसीलिए मैंने इस पूरे फ्रैक्शन को ऊपर लेके आया. ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी अप्लाई मत कर देना. ठीक, तो यहाँ पर सिंपल 1 + x, ये क्या छोटा है? यस सर, x² / r² इज वेरी वेरी लेस देन 1, बिकॉज आपने ही सिखाया था कि x ऑलरेडी बहुत छोटा है, आपने पहले बता दिया, और उसका स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो और छोटी वैल्यू मिल जाएगी, और बहुत छोटी वैल्यू को अगर बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो और छोटी वैल्यू मिल जाएगी. इसका मतलब यस सर, इट इज वेरी वेरी लेस देन 1. तो ये आपका बायनोमियल का कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी, है ना? तो 1 + x² / r कितनी है? -n. तो कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकंड वाला. तो आंसर क्या आएगा इसका? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 r 1 - 3/2 x² / r, यही इसका फॉर्म. ये है तेरा b एट पॉइंट p. ठीक है, जहां पर x बहुत करीब. ठीक है,
ये इतने ही केसेस में होते हैं, ये मैंने आपको सारे बता दिए। एक केस और बना सकते हैं, इफ एक्स इज वेरी वेरी फार देन रेडियस, बहुत दूर है, चांद पे चला गया है ना, तब क्या होगा, तब क्या आर को निगलेक्ट कर दोगे है ना, तो फॉर्मूला कैसे दिखने लगेगा, तो वी पी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स, क्यों 4π तो होगा ही, 4π के बस इतने ही केसेस है, ठीक है, ये सारे अलग अलग केसेस है भैया, ठीक है, ये एक्स लेस देन वाला केस है और वो ग्रेटर देन वाला केस, मैं इसको साफ साफ लिख दूंगा, गंदा लग रहा है, अच्छी राइटिंग है, ठीक है। चलो तो आज के इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, तो पढ़ेंगे बी एक्स करके वाले, ठीक है, ये टॉपिक है आपका, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।